ग्राम सिलमिला के सभी देवी देवताओं की माने। हाँ हेलो, कोई दूसरा समस्या? आपको बताएंगे, करवा देंगे, फिर बता देना आप। लेकिन इस बार हो वो लो वोल्टेज की समस्या को लेकर है, और एक नंग जो है वो खराब केबल को बदलने के लिए, और 10 नंबर जो है विद्युत विस्तार करने के संबंध में है। जो भी आवेदन प्राप्त हुए हैं उसको प्रकरण बनाकर आगे अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रस्तुत कर दिया जाएगा। और आपने नई विद्यालय की मांग की है, जैसा विद्यालय की भवन की मांग होती तो उसको उसको अनुमोदन दिया जा सकता है जिला स्तर पर ही। सिरमिना ग्राम पंचायत में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर में मांग और शिकायत, ऐसे आवेदन प्राप्त हुए हैं जिन शिकायतों का निराकरण त्वरित हो सकता है उसके लिए विभागीय अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है। साथ ही कुछ जर्जर स्कूल भवन और जर्जर आंगनबाड़ी, इनकी मांग आई है जिसको कि जिला खनिज संस्था न्यासमत से उनकी स्वीकृति दे दी जाएगी। बाकी राजस्व और विकास संबंधी जितनी भी शिकायतें और मांग हैं उनका नियमानुसार निराकरण करने हेतु विभागों को। निश्चित रूप से आज जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर है सुदूरंचल कोरबा जिला के अंतिम छोर में तानाखड़ी जनसभा क्षेत्र में जो सिरमिना है वहाँ पर आयोजित की गई, और लोगों में काफ़ी अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के इस मंच पे आए थे, और मंच के माध्यम से सीधे सीधे जनता से हमने जुड़ाव किया, जनता की आवाज़ सुनी, जनता से खुद पूछ कर कि समस्या किसी की क्या समस्या है उनसे जानने का प्रयास किया। निश्चित रूप से जन समस्या निवारण बहुत ही अच्छा है, और लोग बाग यहाँ आकर के अपनी समस्याओं को सामने, क्योंकि यहाँ के तमाम जो अधिकारी हैं चाहे DM हो, तहसीलदार हो, कलेक्टर हो, CO, सभी अधिकारी थे, उपस्थित थे मंच पर, और सभी जो समस्याएं हैं चाहे स्कूल की समस्या हो, आवास की समस्या हो, पेंशन की समस्या हो, भवन की समस्या हो, ये सभी समस्याओं को लोगों ने रखा, और सभी के जो काम है। मोहल्ला चीतापारा, मोर मोहल्ला में ना रोड के सुविधा है ना लाइट के सुविधा है, और मोर मोहल्ला में हाथी मन बहुत ज़्यादा आते हैं, दो बार ले मोर घर ला तोड़ दा रहे, क्षतिविद कर दे रही, मौजा दही 2-3 हज़ार करके ओकर में कोई फायदा नहीं हुए उतका में, लेकिन घर बनाए में लगते ना कितका मेहनत, और मैं चाहता हूँ कि मोला एक बड़े सा वो रोड किनारे में लाइट लगते, वही लाइट लगे तो अगर मोर बीच में